इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला समूह के बीच तीखे हमले जारी हैं। इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर करीब 1600 हमले किए हैं। इनमें से ज्यादा महिलाओं और बच्चों समेत 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमलों से दक्षिणी लेबनान में जमकर तबाही मच गई है। लेबनान में धमाकों के साथ कई इमारतें तहस नहस हो गईं। इसके जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल पर 300 रॉकेट दाग दिए। यह हमला बीते 18 साल में हिजबुल्ला का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला बताया गया। हिजबुल्ला ने यह अटैक इसराइल के लेबनान पर भीषण हमले के जवाब में किया। इस बीच इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने ड्रोन से जॉर्डन घाटी में हुए इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। समूह ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए ताज़ा हमलों की जानकारी दी है। प्रतिरोधी गुटों ने बताया कि ड्रोन हमला गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में और इसराइल के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखने के लिए किया गया। दावा तो ये भी है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम लड़ाकों के ड्रोन को रोकने में विफल रहे। इसके चलते रेमन एयरबेस पर जबरदस्त धमाका हुआ है। इसके इलाके में भीषण आग लग गई। इजरायली मीडिया की माने तो ये पहली बार है जब इराकी प्रतिरोध ड्रोन ने रमम एयरबेस पर हमला किया है। इराकी लड़ाकों यही नहीं रुके, इन गुटों ने उत्तर में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के खिलाफ भयंकर अल अरकब क्रूज मिसाइल से एक और हमला किया। लड़ाकों ने इसराइल के कब्जे वाले गुलान हाइट्स में एक रणनीतिक साइट पर भी ऑपरेशन चलाया। प्रतिरोध ने बताया कि उसने अल अरफद कामिकेज ड्रोन से ज़्यादातर हमला किया। समूह ने कहा कि ड्रोन हमला उन नरसंहारों के प्रतिशोध में था जो इसराइल निहत्थे फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ कर रहा है। लड़ाके कब्जे वाली भूमि पर महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाना और नष्ट करना जारी रखेंगे। बता दें कि इराक का इस्लामिक प्रतिरोध तब से इजरायली ठिकानों पर हमले कर रहा है जब से इसराइल ने बीते साल अक्टूबर की शुरुआत में गाजा पर नरसंहार युद्ध शुरू किया था। इसके अलावा प्रतिरोधी लड़ाके गाजा में अमेरिकी समर्थन के प्रतिशोध में इराक और पड़ोसी सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं। इस बीच इराकी प्रतिरोध ने बड़ा दावा किया है। समूह ने कहा कि लेबनान के खिलाफ इसराइल की किसी भी संभावित जमीनी कार्रवाई के खिलाफ हिजबुल्ला के साथ मिलकर सीधा टकराव करेंगे। इराकी प्रतिरोध ने यह फैसला कताइब हिजबुल्ला, हरकत हिजबुल्ला अल नुजाबा और कताइब सैयद अल शुहादा जैसे बाकी इराक में समूहों के कमांडर के साथ बैठक के बाद लिया है। आपको बता दें कि इसराइल ने लेबनान पर हमलों की रफ्तार लगातार बढ़ाई है। बीते सोमवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के कई शहरों और गांवों पर हमले किए थे।